हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न 18 में आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट रो में ई से स्टार्ट हो एंड ए तक चले, एफ से स्टार्ट हो बी तक चले, जी से स्टार्ट हो सी तक चले, एस से स्टार्ट हो डी तक चले, आई से स्टार्ट हो ई तक चले। आज हम पैटर्न यही प्रिंट कराएंगे, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का भी, जिससे आप वहां से पैटर्न के सारे प्रोग्राम प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और नंबर के भी प्रोग्राम आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके पहले मैंने इसमें बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें नंबर के हैं, स्टार के हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है, हमें पहले काउंट करना है रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 4 5, पांच रो हैं। इसमें कॉलम 1 2 3 4 5, पांच कॉलम भी हो गए। अब ये 1 से लेकर 5 तक हो गया, ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो गई। ये भी 1 से लेकर 5 तक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। हम रो को आई मान रहे हैं और कॉलम को जे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा और इसकी बेसिक जानकारी चाहिए तो आप पैटर्न फर्स्ट देख लीजिए, आपको और जानकारी वहां से मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर चलाते हैं फॉर लूप। फॉर लूप किस लिए चलता है, रो के लिए चलेगा। रो की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, कहां तक चलेगी, 5 तक कंडीशन हमारा रहेगा। और ये क्या होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। फिर दूसरा लूप जो चलेगा हमारा, वो कॉलम के लिए चलेगा। यानी अगर फर्स्ट लूप हमारा चल रहा है रो का, उसके बाद क्या हो, फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा, तो ये नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट रो ये प्रिंट होगा, ये होगा पहले ये प्रिंट होगा, देन ये, मतलब फर्स्ट रो चलेगा उसमें जितने कॉलम सारे प्रिंट होने के बाद अगला रो चलता है। तो ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है, वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। इससे क्या हो गया, हमारा 5 × 5 का ये हो गया। अब हमें एसओपी में, अब हमें यही कराना है कि एसओपी में क्या प्रिंट कराएं कि हमें ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। और जैसे ही रो हमारा ख़त्म हो तो उसके लिए क्या करते हैं, रो जैसे ही ख़त्म हो उसके लिए मैं चाहता हूँ हमारा ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो, यानी न्यू लाइन पे आ जाए ग्रे कर्सर। तो यहाँ पे प्रिंट एलएन कर देंगे हम, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे तो हमें ई से स्टार्ट करना है, ए तक जाना है। वैल्यू क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है, यानी ए भी जस्ट उल्टा चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर ये 65 है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, करेक्टर में चेक करेंगे तो 65 65 67 68 69 70, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 70 होगी। तो मैं k इक्वल टू 70 ले लिया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि मुझे कैर में चाहिए, यानी करेक्टर में ही प्रिंट कराना है। करेक्टर नहीं दिखाएंगे तो 70 का, यानी यहाँ पे 70, फिर ऐसे 71, 72 ये सब प्रिंट कर देगा। इसको बताना पड़ेगा कि हमें कैरेक्टर जो 17 नंबर पे है कैर में, वो हमें प्रिंट कराना है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, फिर हमारी जो के की वैल्यू थी उसको प्रिंट कराया। अब प्लस जे, जे की वैल्यू कितनी है, अभी तो 1 है, तो 71 हो जाएगा, यानी ये प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि वैल्यू हमारी घटती जाए। अब घटने के लिए हम क्या करते हैं, अब घटने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे जे को ही प्लस करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 1 ऐड होकर ये 71 हो जाएगा। 71 हमें प्रिंट चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम करते हैं के माइनस जे करते हैं। अब 70 है तो 1 माइनस हो जाएगी, 1 है तो 1 माइनस वैल्यू होगी, तो हमारी क्या, तो 69 आ जाएगा। और 69 पर अगर हम चेक करेंगे तो क्या है, ई है, ई प्रिंट हो जाएगा। देन ऐसे यहाँ पे 2 होगा इंक्रीमेंट होके, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस हो जाएगा के में, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब क्या करना है, अगले लाइन में आके हमें एफ प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे के प्लस प्लस कर देंगे। जैसे ही ये हमारा लूप खत्म हो, यहाँ तक प्रिंट हो जाए ये लूप से, देन हमें के की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 71 हो जाए। फिर 71 में से 1 माइनस होगा तो ये प्रिंट होगा, और जहाँ तक चलेगा 5 तक प्रिंट करेगा ये, ठीक है। चलिए मैं इसकी अरेज करके और अच्छे से आप लोग को इसको लॉजिक को समझाते हैं। हमने क्या किया,
यहाँ पे देखिए इंट आई जे के 70 कर दिया, क्या किया वन से चलाया, फाइव तक हमारा रो चलेगा, वन से लेकर फाइव तक हमारा कॉलम चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू यानी वन हो गया, ठीक है, फर्स्ट रो चला हमारा, फर्स्ट रो चलती ही फर्स्ट कॉलम चला, कहाँ से नीचे चला, वन से स्टार्ट किया, कंडीशन ट्रू है कि पाँच से वैल्यू छोटी है, कंडीशन ट्रू हो गया, इस स्थान पर हम आ गए। मैंने यहाँ पे कैर करेक्टर, अब करेक्टर क्या बता रहा है कि ये हमारा जो 70 है कि है वो क्या, जो इसमें जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या होगा, हमारा करेक्टर में क्या हो उसको प्रिंट कर देगा कि के की वैल्यू 70 है और वो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस हो कितनी हो जाएगी, ये 69। 69 पे अगर कैर की चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा ई। ई प्रिंट कर दिया, ई प्रिंट किया, अभी कंडीशन जब तक फॉल्स होगा नहीं तब बाहर जाएगा नहीं, तो ये फिर इंक्रीमेंट हो गए, जे की वैल्यू 2 हो गई। अब 70 था, 70 में 2 माइनस होगा तो 68 हो जाएगा, 68 करेक्टर पे क्या है उसको प्रिंट कर देगा। ऐसे यहाँ पे 65 पे आके ये प्रिंट कर देगा, जैसे ये इसकी वैल्यू 6 होगी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होते ही ये हमारा लूप बंद होगा, पहले प्रिंट नहीं करेगा, जिसके पास आएगा तो ये न्यू लाइन पे लेके जाएगा, न्यू लाइन पे पहुँचा देगा, वैसे ही के प्लस प्लस हो जाएगी, यानी के की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी, अब 71 हो गई। अब यहाँ पे पहुँचा, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो चुकी थी, अब 2 पे कंडीशन हम आ चुके थे। अब फिर ये 1 से स्टार्ट किया, जे की वैल्यू कितनी है 1, 1 पे आ गए हम, तो क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू 1 पे आ गए हैं, तो अब क्या किया ये, अब के माइनस जे, यानी अब के की वैल्यू 71 हो चुकी थी, 71 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास प्रिंट होगा, 70 पे एफ है, कैर में चेक करेंगे तो ये प्रिंट कर दिया। फिर 2 माइनस करेगा 69 आएगा तो ई प्रिंट कर देगा, ऐसे ही हमारा ई तक प्रिंट करेगा। जैसे ही ये हमारा ई तक प्रिंट कर देगा, वैसे यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी आई की, तो ये कंडीशन हमारा हो जाएगा फॉल्स, इसके आगे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको बस यही ध्यान देना है कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें माइनस क्या करना है कैर का, और यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि जो 70 कैर पे 70 की 70 जो है हमारा कैर में ए है, सॉरी ई है, ई नहीं है, 70 पे हमारा एफ है और 65 पे हमारा ए है, तो उसके लिए अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे ए भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर दीजिए कैर के, इनिशियलाइज कर दीजिए और फिर के इक्वल टू से लिख दीजिए के इक्वल टू ए, तब पर भी ये आपका प्रिंट कर देगा, यही वैल्यू हमारा प्रिंट कर देगा, क्योंकि अब ये फिर उसके बाद के प्लस प्लस कर देंगे, अब जो कि के की वैल्यू आएगी उसमें इंक्रीमेंट होते हुए चली जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करके प्रोग्राम करके रन करते हैं। हमने पहले ही प्रोग्राम, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने प्रोग्राम, ये देखिए मैंने इसको कमेंट बना रखा हुआ है कि हमें यही प्रिंट कराना है। मैंने पैटर्न 18 मेरा है, मैंने क्लास का नाम वही रख दिया, मेन मेथड चलाया, 70 से स्टार्ट किया, की यानी कैरेक्टर वैल्यू जो 70 हो वहाँ से चलेगी, और वहाँ से चलने पर अगर एक माइनस करेगा तो 69 की वैल्यू हो जाएगी, फिर 2 माइनस होगा, 3 माइनस उससे कम होते जो करेक्टर उस पर हो प्रिंट करेगा, हमारा फर्स्ट रो चलेगा 5 तक, मतलब 5, ये 5 रो चलेगा 1 से लेकर, और भी कॉलम भी 1 से लेकर 5 तक चलेगा। मैंने क्या किया, जैसे ही ये पूरा हमारा एक कॉलम रो कम्प्लीट हो रहा है तो के की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होके एक बढ़ जाएगी, यहाँ पे 71 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से, मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, अब इसको करते हैं सेव। मैंने ड्राइव पे सेव कर दिया इसको, डॉट जावा, आप लोगों को पता है क्लास इसको सेव करने के लिए क्लास का नाम डॉट जावा से सेव किया जाता है। मैं अब यहाँ पे ई ड्राइव में सेव किया हूँ, यहाँ पे आ गया पैटर्न 19। मैं यहाँ से CMD ओपन करता हूँ, अब लिखेंगे जावा सी, यानी कंपाइल करने के लिए कि पैटर्न क्लास का नाम 19 हमारा था जावा, कंपाइल कर दिया, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इसको करते हैं रन, रन करने के लिए जावा इन क्लास का नाम, ये हमारा देखिए EDCBA यही हमें प्रिंट कराना था, यही हमारा प्रोग्राम था।
ठीक है, आप लोग को हमारा लॉजिक अच्छा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दूंगा जिससे वहाँ से आप यहाँ वहाँ से आप कोड को भी देख सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।